इमेजिन कि तुम एक सोसाइटी के सेक्रेटरी हो और उस सोसाइटी में कोई एक बंदा सोसाइटी का रूल तोड़ेगा, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसको पनिशमेंट दोगे या उसको सोसाइटी से ही निकाल दोगे? ऐसे रूल्स ना फॉलो करने वाले बंदे के साथ क्या होना चाहिए? वेल, वो आज हमको मालूम पड़ेगा, क्योंकि आई एम द वन जो सारे रूल्स तोड़ने वाला है इन लापता SMP। और लापता SMP रूल्स को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई रूल तोड़ते हुए तुम पकड़े जाते हो तो चांसेस है कि तुम परमानेंटली बैन हो सकते हो लापता SMP से। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है और इस वीडियो में मैं लापता SMP के 8 सबसे हार्डेस्ट रूल्स तोड़ने वाला हूँ और कुछ रूल्स तो ऐसे हैं कि जो तोड़ना ही इम्पॉसिबल है। एक सेकंड, ये तो बैन है। तो क्या मैं वो रूल्स तोड़ पाऊंगा? और मेरे पास है सिर्फ 5 घंटे इस चैलेंज को कम्प्लीट करने के। 5 घंटों के बाद मुझे इस SMP के ओनर निस गेमर से मिलके उन्हें सब कुछ बताना होगा। तो स्टार्टिंग विद हमारा फर्स्ट रूल, नो ब्रेकिंग बिल्ड्स इन स्पॉन। पर अब स्पॉन में बिल्ड किसका फोड़े, क्योंकि स्पॉन पे हर एक बिल्ड फूट चुका था, इंक्लूडिंग माय भव्य नेदर पोर्टल। तो फिर हमारे पास सिर्फ EQ ऑप्शन बचता। ओह माय गॉड, कितना अच्छा मॉडर्न हाउस है लैपिस भाई। आई एम रियली सॉरी यार, दैट्स ऑल, मेरे को रूल तोड़ना पड़ रहा है। वैसे भी मेरा बिल्ड सबने तोड़ दिया, तो मेरे नो मर्सी नाउ गाइस। और भी अंडे दोगे लगाने के लिए बाहर से? और दो बीच बीच में लगा देते हैं। लाओ लाओ लाओ। तेरी तो, ओ भाई यहाँ पे ट्रैप है लविस भाई। नहीं ट्रैप नहीं, वो फार टाइम। ओ जेम, क्या यार 5-8 पे था मैं। हेलो सेड सर। हाँ बोलो। लुक एट दैट, क्या भाई उड़ने वाला। नहीं अंदर से माहौल। मेरे को बिल्कुल नहीं करना था ये, पर फोड़ना चाहता तेरा घर और गलती से फूट गया। गलती से फूट गया, ये निस भाई वाली चीज क्यों कर रहे हो भाई? देखो वो एरो छूट गया गलती से, हम कुछ नहीं कर सकते, एरो छूट गया। वो लैपिस भाई ने फोड़ा, वैसे देखा जाए तो। पर सुन 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 सुन, अरे तोड़ दिया था। पर हमने ये सोच के शुरू किया था कि हम पहले ही रूल तोड़ रहे हैं, पर ना हम किसी का नुकसान करेंगे ना ही खुद का फायदा करेंगे। इसीलिए हमने ZOR के लिए एज अ सॉरी वहाँ पे 64 स्टैक ऑफ कोल्ड ब्लॉक रख दिए थे। अभी हमारे नेक्स्ट चैलेंज के लिए हमको चाहिए थी घास टियर, जो कि नेदर में मिलता है। नहीं तो चलते हैं ग्राउंड पे, कहाँ मिलेगी घास? सामने जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे से जाओ। बट फॉर सम रीजन लापता SMP में घास स्पॉन ही नहीं हो रही थी भाई। बट फिर 1 घंटा नेदर में टाइम पास करने के बाद मिल गई लैपिस भाई, लेकिन ये ऊपर है लावा के ऊपर है। इसका कैसे करें क्रियाक्रम? आ रही 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 आ रही। मारू क्या? Yes. क्योंकि घास टियर ऑप्टेन करना इतना मुश्किल हो गया था, हमको SMP मेंबर्स को पूछना पड़ा कि तुम्हारे पास घास टियर है? तो स्टीवी ने बोला हाँ है, तो हम स्टीवी के पास चले गए घास टियर लेने। स्टीवी भाई लाओ घास टियर लाओ भाई। हेलो भाई, थैंक यू, वेलकम। हेलो भाई, हेलो। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ क्या? 5 हार्ट पे बंदे के साथ फाइट क्यों ले रहा हूँ? एक्चुअली मैं यहाँ पे एक रूल ब्रेक करने वाला हूँ। मोबाइल गैंग चालू करेंगे ये। ओह नो, एक और गैंग। ओह माय गॉड, कॉम्बैट तोड़ दिया हमने लविस भाई। स्टीव भाई सुनो, मैं एक्चुअल में फाइट नहीं करना चाहता था, मैं बस ये रूल तोड़ने वाला था कॉम्बैट लॉक का। प्लीज आई होप कोई मेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं लोगे। प्लीज देखो गाइस, आपने सामने मेरे अभी लेफ्ट गए तो कॉम्बैट लॉक हो गया। दादा पूरी इन्वेंटरी के साथ मुझे थोड़े से नो चैपल, मुझे पता है लैपिस के पास 51 नो चैपल है। नहीं अबे यार, मैं बोल रहा हूं मैं सिर्फ रूल तोड़ रहा था, मेरे को कोई इंटेंशन नहीं था भाई भागने का फाइट से। कोई इंटेंशन नहीं था, खाने दो फिर मैं चला जाऊंगा। खाना दूं ये लो? हाँ थोड़ा ज्यादा दो, बस इतना ही दे सकता हूँ भाई। इन्वेंटरी के लिए लगाऊंगा, नहीं तो खाना दो थोड़ा ज्यादा दो। देखो स्टीव भाई, आपको पेल के रख दिया था मैंने, मैं जानबूझ के मरा हूँ, कॉम्बैट लॉक करना था। और लैपिस भाई उससे एक नॉच लेके दो। नॉच कटिया गया है क्या ये लैपिस भाई? हेलो, नॉच कोई कुछ बोल लैपिस भाई, आ जाओ यार धो क्या इसको। नहीं, अरे भाई क्या प्रूफ किया कि हमने कॉम्बैट लॉक किया? क्या प्रूफ? रिकॉर्डिंग है क्या तेरे पास? बता प्रूफ क्या तेरे पास? खुद कर दिया पैसे, इसने खुद कर दिया, कॉम्बैट कर दिया। हमारे पास रिकॉर्डिंग है स्टीव। तो किसी तरह हमने स्टीवी को ब्लैकमेल करके चुप तो करा दिया। हमारा नेक्स्ट रूल ऐसा है कि आज तक SMP में वो कोई कर ही नहीं पाया, जो कि है ओवरवर्ल्ड में इलाइट्रा उड़ाना।
क्योंकि इलेक्ट्रा बैंड है, तो जैसे ही तुम उसको ओवरवर्ल्ड में लाते हो इलेक्ट्रा गायब हो जाता है। पर हमारे ग्रेट साइंटिस्ट लैपिस भाई ने एक तरीका ढूंढ के निकाला था जिसमें हम ओवरवर्ल्ड में इलेक्ट्रा उड़ा सकते हैं और वो सिर्फ हमें पता। तो बस मैंने सभी को स्पॉन पे बुलाया और आरंभ किया इस रूल को तोड़ने का। चलो 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 स्टार्ट करो गाइस। में आ जाओ आ जाओ गाइस, देखते रहो गाइस, दिक्कत इधर हो भाई। आ रहे आ रहे उड़ के आ रहे हो, ये देखो गाइस इस तरीकों को बेच रहे हैं, सस्ते में नहीं बताएंगे, आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि ये 12 साल का कोर्स है। अभी आधा टाइम खत्म हो गया था और हमारे सिर्फ 3 ही रूल ब्रेक हुए थे, मतलब अभी आधे टाइम में हमको और 5 रूल्स ब्रेक करने थे और हमारे नेक्स्ट रूल ने तो इसको और भी हार्ड कर दिया, जो कि था एक AFK प्लेयर को मारना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बचे हुए 2 घंटे में कोई AFK करते हुए मिल जाएगा और उसको हम मार देंगे। पर गाइस मैंने इस वीडियो के पहले भी कई रूल तोड़े हैं। हेलो डीओपी, अरे यार आ गया। अरे रिमेम्बर हमने घास टीयर लिए थे, उसकी मदद से हम बनाने वाले हैं एंड क्रिस्टल और ब्रेक करने वाले हैं नो यूजिंग एंड क्रिस्टल्स ऑन प्लेयर्स। और हमने सोचा कि दीपू भाई पे एंड क्रिस्टल यूज करते हैं, पर एक प्रॉब्लम हो गई। अरे कुछ हो रहा है पेसर। क्या हुआ शिवा? शिवा क्या हुआ, एंड क्रिस्टल नहीं बन रहा ना? नहीं। अरे छोड़ो यार, क्योंकि एंड क्रिस्टल बैन था तो ओवरवर्ल्ड में एंड क्रिस्टल बन नहीं रहा था और वहीं पे दीपू भाई हमारे साथ बैठे थे तो उनको हमारा प्लान पता चल चुका था। तो अब ये प्लान हम दीपू भाई तो यूज नहीं कर सकते, तो हम एंड में चले गए और देखा कि कौन कौन ऑनलाइन है, तो तभी सिर्फ डार्क वेब ही ऑनलाइन। तो मैंने बहुत कोशिश की डार्क वेब को मैसेज करके बुलाने की एंड में, लेकिन बहाने देते गया और वो आया ही। बट फिर अचानक से RTO भाई ज्वाइन करते। RTO भाई। हां जी भाई बोलो। दीपू भाई एंड में फंस चुके। अच्छा पता नहीं गिर गए वो, उन्होंने मेरे को बुलाया बचाने को। आप आ सकते हो क्या, मेरी थोड़ी हेल्प करनी। यहाँ पे स्टेसिस सेट कर लो मेरा। अरे भाई कुछ भी कर दिया यार वो, और बहुत कुछ फोड़ दिया भाई। पता नहीं जेडजोर का घर भी फोड़ दिया किसी ने। अब हमारा नेक्स्ट रूल है कि नो मेकिंग एन इलीगल फार्म। इसका मतलब मैं रेड फार्म के अलावा और कोई फार्म नहीं बना सकता इसके असेंबली में। और सिर्फ रूल तोड़ने के लिए तो मैं कोई फालतू सा बना दिया है गाइस, ये मेरा पाप और रूल टूट गया, इन्होंने ऑलरेडी बना दिया था। अब इसके बाद से गाइस हम घुसने वाले हैं इलीगल कैटेगरी में, जो काम करने से बंदे बैन होते। अभी जो रूल मैं तोड़ने वाला वो बहुत ही डेंजरस है। पिछली बार जब लैपिस भाई ने वो रूल तोड़ा था तो उनका पूरा प्लेयर डाटा क्लियर हो गया था, इन्वेंटरी गायब हो गई थी भाई। एंड आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दैट रूल राइट, and that is x-ray. Let's go and turn our resource pack which is x-ray. Bhul ja sim as isse main zyada khul gaya. Okay, koi simple si cheez mine karte hain, theek hai guys, we are getting closer to the diamond. Okay guys, diamond ke paas ja raha hu. ये है दोस्तों अपना एक इलीगल डायमंड, हमने एक्सरे भी यूज कर लिया है। इसको मैं वापस यहीं पे रख रहा हूँ और निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं कुछ नहीं लेने वाला। अभी जो नेक्स्ट रूल मैं तोड़ने जा रहा हूँ वो अभी तक इस SMP में कोई भी नहीं कर पाया है, क्योंकि है ड्यूपिंग। व्हाट, वो गधे वाले से होती है मैंने सुना, ट्राई करते ना तो गधे वाला ट्राई करते हैं, अमीर हो जाएंगे हम लोग। हाँ गधा किधर है? आप मेरे सामने तो घूम रहे हो। अरे मिल गया, ये तो घोड़ा है। घोड़ा है ये, होता है असली गधे के साइंस। बैठो लैपिस भाई, आपको पता है ना कैसे करना है ड्यूप, काफी सिंपल टेक्निक है, बहुत वायरल है। ओ सॉरी, अच्छा अरे रुक जा। ओके लेट्स ट्राई टू ड्यूप माय स्वॉर्ड। ठीक है 1 2 3 पे आपको लीव करना है। ठीक है 1 2 3 गो। ओ नहीं हुई, हमने बहुत बार ट्राई किया पर गधे वाली टेक्निक तो काम ही नहीं कर रही थी। पर मेरे पास एक और टेक्निक है, उससे कोई चीज नहीं ड्यूप होगी, एक ही चीज ड्यूप होगी, ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ट्रैप डोर लगाना है, ठीक है रुको रिपवायर हुक, एक यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने लगा दी स्ट्रिंग। अभी अगर मैं इसे पास होऊंगा तो हमारे पास 3 ट्रिपवायर हुक होने चाहिए, ना कि 2। सही में क्या? हाँ ठीक है, चेक करो।
आई दो ही है, ये भी काम नहीं कर रहा। बाद में मालूम पड़ता है कि 1.19 में सारे डुपिंग टेक्निक्स फिक्स हो गए हैं। तो मैंने दोस्तों हार नहीं मानी, मैंने इंटरनेट में बहुत गहरी डुबकी मारी और मेरे को एक तरीका मिला, पर वो तरीका सिंपल नहीं था। लेट मी एक्सप्लेन। तो एक प्लगइन आता है जिसका नाम है बेटर शल्कर बॉक्सेस, जिससे तुम इन्वेंटरी में रख के ही शल्कर बॉक्सेस खोल सकते हो। तो काफी हेल्पफुल प्लगइन है, लेकिन इसमें एक ग्लिच है जिससे हम डुपिंग कर सकते हैं। तो मेरा गोल इसमें ये था कि कैसे तो भी करके इस प्लगइन को सर्वर में डालना, पर मैं तो नहीं डाल सकता क्योंकि अब में से किसी के पास भी लापता का ऑपरेटर रोल नहीं है या फिर कंसोल का भी एक्सेस नहीं है। एक अलग बंदा है जो लापता एसएमपी को मैनेज करता है और ऑपरेट करता है। मैंने सोचा इस बंदे से हम लोग ये प्लगइन डलवाने की कोशिश करते हैं। लापता के सर्वर में एक प्लगइन डालना है, डाल सकते हो? क्लाउड बॉय, वो प्लगइन ऐसा है, शल्कर बॉक्स वाला प्लगइन है वो। उसमें क्या होता है कि इन्वेंटरी के अंदर ही हम शल्कर बॉक्स खोल सकते हैं। मैं आपको भेज सकता हूँ कि आजकल बहुत चोरियां हो रही है एसएमपी में, कोई शल्कर बॉक्स रखता है चुरा के दे जाता है। और अपना वो सर्वर का कैसे चल रहा है, लॉबीज वगैरह ढूंढेंगे पहले? ओके ओके, प्लगइन डालने के बाद बता देना। हाँ हाँ हाँ, यही ये वाला वर्जन मैंने दूसरे सर्वर पे चेक किया, ये सही चलता है, तो ये वाला डाल। थैंक यू, यस यस यस, प्लगइन डलवा दिया बिना कुछ करे, खुद डला। रिकॉर्ड कर रहे थे? मुझे पता ही नहीं है, मुझे लगा आप उससे सर्वर की बातें कर रहे थे अपने। वही तो एक्टिंग के बादशाह है ना हम लोग। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। और इसी के साथ वी फाइनली अचीव्ड द इम्पॉसिबल। पर टाइम बहुत चला गया था, अभी बस हमारे पास आधा घंटा बचा था। दिस इज आवर लास्ट होप, अगर इससे काम नहीं किया तो हमारी वाट लग जाएगी। प्लगइन की ग्लिच के कारण सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। एज वी आर गोइंग टू ड्यूप डायमंड्स, शल्कर लाओ। इस शल्कर बॉक्स में मैंने ये डायमंड्स रख दिए, अब मैंने इस प्लगइन की मदद से शल्कर बॉक्स खोलूंगा, बंद करूंगा, खोलूंगा, डायमंड लॉक लूंगा और ये क्लोज विदाउट पैकेट करूंगा, मतलब ये शल्कर बॉक्स डायरेक्ट बंद हो जाएगा जैसे अल्ट एफ4 होता है ना। ये बस एक जीयूआई मॉड है, कोई टाइप का हैक वैक नहीं है, ठीक है? क्लोज विदाउट पैकेट, आर यू रेडी? यस। ओ माय गॉड, यस, आ जाओ आ जाओ भाई, अब करते हैं ड्यूपिंग। लेट्स गो भाई साहब। अरे भाई कितना ज्यादा कर दिया, ठीक है, आर यू रेडी? पर हम इसका फायदा नहीं उठा लेंगे, ये सब हम जलाने वाले। उससे पहले ये लो लैपिस वायर, देखो भाई। ओह माय गॉड, फुल सर्कल बॉक्स डायमंड ब्लॉक। गाइस अगेन हम इसका कोई फायदा नहीं उठाने वाले, हम इसको सब कुछ जलाने वाले। या हमें सिर्फ ड्यूप करना था, सर्वर के रूल को तोड़ना था। अब इतने डायमंड आ ही गए तो हमने सोचा यो ये बन चुका है हमारा डायमंड का हाउस। ऐसा घर तो अभी तक एसएमपी में किसी ने बनाया होगा लविस भाई। किसी ने क्या भाई, किसी को इतने पैसे नहीं जो बनाएगा ऐसे घर को। इसको फोड़ने वाले हम गाइस, टेंशन मत लो। आज जो लविस में बचा हुआ जितना भी डायमंड है पहले उसको जला देते हैं हम लोग, ठीक है? ओके सर, चल कर, चल गया। देखो गाइस टीएनटी भर भर के लगाएगा मैं इधर, एक भी डायमंड नहीं बचना चाहिए डूपिंग का। एक काम करते हैं गाइस, गाइस गाइस ये बस मैं एक रख रहा हूँ और इसको हम नाम देते हैं डी इलीगल डायमंड, और ये पूरी एसएमपी में सिर्फ एक हमारे है, पास हमारे पास। करते हैं कार्यक्रम। ओ शिट, करते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मजा आ गया भाई, मजा बहुत मजा आया, इतनी सेटिस्फेक्शन आया। बचे हुए सारे डायमंड्स भी हमने जला लिए, पर ये घर बनाने के टाइम पास के चक्कर में हमारे पास सिर्फ एक मिनट बचा था और एक आखिरी रूल बचा था ब्रेक करने का, जो कि सबसे मुश्किल है, जो कि है क्रिएटिव मोड। अरे भाई जल्दी फोन उठा, बहुत कम टाइम बचा है इस भाई को तो उठा। हेलो 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 क्राउड बॉय, सुन सुन सुन, एक एक फेवर करना है बस मेरे को, कैन यू प्लीज गिव मी क्रिएटिव मोड इन लापता एसएमपी। नहीं भाई, अरे यार बस एक सेकंड के लिए देना है, एक सेकंड में देखिए वापस ले ले, बस प्लीज देना यार भाई, बहुत कम टाइम बचा है, मेरा चैलेंज पूरा हो जाएगा यार। अबे जल्दी बोल, टाइम खत्म हो गया, और कुछ बोलो पर क्रिएटिव नहीं दे सकता। हमारा टाइम खत्म हो चुका था और मैं आखिरी रूल नहीं तोड़ पाया, बट एज प्रॉमिस्ड मुझे जाना पड़ा निज भाई के पास और उन्हें सब कुछ बताना पड़ा कि मैंने क्या क्या कांड करे है। निज भाई जी, मैंने बहुत सारे रूल तोड़े हैं ऐसे, बहुत सारे मतलब सारे के सारे तोड़ दिए। ओके, उसमें एक्सरे आता है। ओके एक्सरे, नाइस, अच्छी बात है। yes. और क्या मैं जान सकता हूँ ये आपने क्यों किया है? वो बस चूल मच रही थी थोड़ी सी। ओके ओके, हमने हाँ ड्यूपिंग करी, एक का डबल, एक का डबल। हाँ। मेरे को ये पूछ रहा है मगर कैसे? वो मेरे वीडियो में देख लेना। अच्छा, जो आपने डायमंड का घर बनाया था वो? हाँ उससे ही बनाया। सोचू मैं का इतनी ज्यादा माइनिंग नहीं।
क्या करना चाहोगे इस मुजरिम के साथ? मुजरिम के साथ मैंने सुना है कि मुजरिम ने वो सारी चीजें फेंक देगा या फिर अपने लिए यूज नहीं करेगा मुजरिम। यस यस वही किया था। तो फिर भी हमें सजा तो देनी पड़ेगी ताकि औरों के लिए ऐसा रहे, वरना वो भी गलत करेंगे जैसे कि आपको पता है। या तो आपको सजा दी जाती है इन सारे जुल्मों के लिए, हम आपको बैन करने वाले हैं लापता SMP से।